अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे आप सब। और आप लोग देख रहे हैं हैदर डिवाइन गोट, नहीं दी हैदर शो देख रहे हैं आप लोग। और सही सुना आप लोगों ने, और ये बिल्कुल जो लाइन है ये भी कोई झूठी नहीं थी, बिल्कुल सच लिखा हुआ है मैंने। जो टैग लाइन है इसकी वीडियो की, कि चैनल पे एक स्ट्राइक आ गई थी जिसकी वजह से चैनल बंद हो गया है मेरा। अच्छा, वो स्ट्राइक भी इस वजह से नहीं आई कि मैंने किसी का कंटेंट निकाला या किसी और की वीडियो डाल दी हो, वो स्ट्राइक क्योंकि मैं तो अपनी वीडियो बनाता हूँ अपनी पर्सनल, आप लोगों ने देखी है मेरी वीडियोस। अब वो स्ट्राइक इसलिए आई कि 2019 में मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें एक मुर्गों की लड़ाई थी, जिसकी वजह से वो वीडियो जो है स्ट्राइक हो गई चैनल पे, और एक हफ्ते के लिए मेरा चैनल बैन हो गया। और जिसकी वजह से मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि मैं सोलापकोट मंडी जाऊं, या पहला ट्रक आया मैंने नहीं दिखाया आप लोगों को, या इस साल मैंने आप लोगों को फॉर्म वगैरह कुछ भी नहीं दिखा पाया मैं, क्योंकि एक तो टाइम ऐसे टाइम पे स्ट्राइक आई। मैंने काफ़ी उनको मेल्स की कि आप मेरा चैनल चेक कर सकते हैं, मेरा चैनल पे ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये पुरानी वीडियो थी 2019 की वीडियो पे, इस टाइम उन्होंने बिल्कुल पीक टाइम था ये हमारा, जबकि सीज़न स्टार्ट हो रहा था उस वक्त उन्होंने जो थी स्ट्राइक आई मेरे पास। अच्छा, मुझे पता ही नहीं था, 2 दिन तक तो मुझे मैंने मेल ही नहीं देखी। और उसके बाद यह हुआ जब मैंने वीडियो एक बनाई, जो वीडियोज़ पड़ी हैदर डिवाइन कोड की डालने के लिए, तो जैसे ही मैंने वो वीडियो अपलोडिंग पे लगाई, वो वीडियो अपलोड पर ना जाए, जब अपलोड पे नहीं गई तो फिर मैंने चेक करा कि ऊपर तो एक स्ट्राइक आई हुई है। मैंने स्ट्राइक देखी, मैंने यार मैंने तो कोई ऐसा कंटेंट किसी का निकाला ही नहीं है, या ऐसी कोई वीडियो नहीं डाली मैंने जो कि मैंने किसी और की चोरी करके डाली हो, तो जिसकी वजह से स्ट्राइक आती है। हमारे माइंड में तो यही माइंड सेट था हमारा कि स्ट्राइक इसी वजह से आ सकती है चैनल पर, कि जब तक आप किसी की वीडियो चोरी करके डालो, किसी का म्यूज़िक चोरी कर लो, या किसी का कॉपीराइट क्लेम हो जाए आप पे। लेकिन वो इन्होंने डाली कि आपके लोगों के लिए या इंसानियत के लिए अच्छी नहीं थी वो वीडियो, इस वजह से आपके चैनल पे हमें स्ट्राइक दे रहे हैं। अच्छा, इसके इन्होंने ये भी नहीं करा कि एक आध वार्निंग दे देते मुझे पहले, या मेरी वीडियोज़ थी, अगर मैं ये बोलता हूँ मेरी वीडियोज़ थी तो मुझे यूट्यूब को चाहिए था कि मेरी वीडियो डिलीट कर देते या मोनिटाइज से हटा देते उसको, इस तरह का कोई क्लेम कर लेते। अच्छा, मज़े की बात ये थी यार, व्यूज़ भी नहीं थे उस वीडियो पे, क्योंकि वीडियो भी 2-3 साल पुरानी थी। और बस, लेकिन जो बात थी, जो होना था वो हो गया। अब मसला ये हो रहा है कि काफ़ी सारे दोस्तों के मैसेज आ रहे हैं, हैदर भाई पीक सीज़न चल रहा है और आपका कोई ना फॉर्मूला आ रहा है ना कोई वीडियो आ रही है। तो दोस्तों, वजह ये थी वीडियो ना आने की, कि एक तो वैसे ही 3-4 दिन बाद में वीडियो अपलोड करता हूँ, जब मैं वीडियो अपलोड करने बैठा तो वो एक हफ़्ते की स्ट्राइक आ गई। तो वो तकरीबन 10 दिन हो गए मुझे, अब तकरीबन समझ लें 2 से 3 दिन में मेरा चैनल जो है ओपन हो जाएगा इंशाल्लाह। तो हम फिर से आपसे मुलाकात करेंगे उसी तरह, अल्लाह ने चाहा तो, और इसके लिए एक और काम करेंगे, एक चैनल बैकअप में भी खड़ा करते हैं मैंने सोचा है, ताकि कभी खुदा ना खास्ता ऐसी बुराई आ जाए तो उससे हम निकल सकें। तो दोस्तों, ये बात थी। आप लोगों के मैसेज जो आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं, उनका बहुत शुक्रिया, जो आप लोगों ने इतना पूछा कि भाई इतने दिन हो गए हैं क्योंकि मंडी का सीज़न चल रहा है और आपकी वीडियोज़ नहीं आ रही जिस तरह आती थी हर साल, तो ये वजूहात हैं कुछ। तो इंशाल्लाह अब वीडियो लाजमी आएंगी, 2-3 दिन का सफ़र और है, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और वीडियो में। मैं हूँ आपका हैदर अली शाह। अच्छा, ये चैनल भी सब्सक्राइब कर दो। अल्लाह हाफिज़।